जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अंशुमन चलो, लेकिन ये देखो क्या है? तो अंशुमन यहाँ पे कपड़ों की क्या वैरायटी मिलती है मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती, और क्लोथ्स की तो बेस्ट 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 ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन काजल, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी अच्छा मिलता होगा। वैसे तुम्हें यहाँ से लेना क्या है? तो एक्चुअली मुझे मम्मा के लिए एक साड़ी लेनी है। मुझे शगुन में कुछ पैसे मिले थे और मैं चाहती हूँ कि मम्मा के लिए उन पैसों से कुछ गिफ्ट खरीदूं। वैसे काजल एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं बोलो ना। क्या है ना, अब तुम अंशुमन शर्मा की होने वाली वाइफ हो, तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी दुकानों से थोड़ी मैं शॉपिंग करने के लिए दूंगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक अच्छे से शोरूम में लेके चलता हूँ, आ जा। लेकिन अंशुमन मैं हमेशा यहीं से ही शॉपिंग करती हूँ। हाँ तो आज मैं तुम्हें यहाँ से शॉपिंग नहीं करने दूंगा, आज तुम्हें मेरे फेवरेट डिजाइनर के शोरूम से ही शॉपिंग करनी होगी। अब चलो। पर कहाँ? जस्ट वेट एंड वॉच, आ जाओ। अरे अंशुमन। अरे चलो तो सही। अंशुमन आ जाओ। वेलकम सर। वेलकम मैम। हाय। अरे अंशुमन, यहाँ तो एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं। है ना? अब काजल तुम्हें इस शॉप में जो भी पसंद हो प्लीज पिक इट अप। एक्सक्यूज मी। यस मैम। इसका क्या प्राइस है? ये 10,999 मात्र। एक्चुअली मैं सिर्फ इस साड़ी की प्राइस पूछ रही हूँ, पूरे पुतले की नहीं। मैंने साड़ी के ही बताया मैम। अच्छा, तो आप मुझे स्टार्टिंग रेंज में क्या साड़ियाँ मिलेंगी वो बता दीजिए। ये सबसे लोअर रेंज की साड़ी है, 10,000 से लेकर के 1,00,000 तक रेंज की साड़ियाँ हमारे पास हैं। क्या? काजल, एक्सक्यूज मी। यस सर। काजल क्या कर रही हो तुम? जो भी ये साड़ी है जस्ट पसंद कर लो ना, प्राइस क्यों पूछ रही हो? अंशुमन मेरे पास सिर्फ 3,500 रुपए है, मुझे इसी बजट में मम्मा के लिए कुछ खरीदना है। काजल जो भी अच्छा लगे ले लो, पैसे की टेंशन मत लो, मैं हूं ना, आ जाओ। कम कोई अच्छी सी एकदम लेटेस्ट कलेक्शन की साड़ी दिखाइए ना। या दिखाता हूँ। काजल तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? बस तो फिर टेंशन मत लो, जो भी अच्छा लगे ले लो। ये देखिए सर, मार्केट का लेटेस्ट कलेक्शन। हाँ ये बहुत अच्छी है। हे भगवान, अंशुमन चलो यहाँ से। क्या 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 हुआ? क्या काजल, क्या बात है? अंशुमन मैं पहली बार अपनी मम्मा के लिए कुछ खरीद रही हूँ, और मम्मा ने मुझे हमेशा कहा है इंसान को पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी उसकी चादर हो। यहाँ से नहीं खरीद सकती मैं, चलो। देख तो लो, अच्छी साड़ी है। अरे आप? आप भी यहीं से शॉपिंग करते हैं? हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है, राइट? हाय, रिया अग्रवाल, अंशुमन की कजिन। ओ हाँ, याद आया। हाय मैम। रोचक, नाम सुना है मैंने आपका। जी। तू तो अंशुमन की बहन है ना? मेरा नाम रिया है नानी, मेरी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, जैसे इनकी है। ऑथर ऑफ इंडियाज टीनेज बेस्ट सेलर प्यार का बुखार, रोचक शिवहरे। नाइस टू मीट यू, मिलते रहिएगा। जी सेम है। नमस्ते, बाय। अरे ओ रोचू, हमें तो लगता है ये मुड़ी तुझ पर लट्टू हो गई है। इसकी मताई कौन है पता है ना? हमारी बिन्ना की फूफिया सास है, बहुत ही खतरनाक है वो। क्या कहते हैं, गजब। अरे क्या नाम है यार, कुछ भी, किसी के साथ कोई भी कनेक्शन जोड़ रहे हो आप मेरा। आपकी शॉपिंग हो गई ना, चले घर। लो नानू मुझे। अरे ऑटो। अरे अरे नानू, रोचू। काजल तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो शॉपिंग करने आई हूँ, चलना मेरे साथ। अरे नानू। नानू आप घर चली जाएंगी ना? हाँ हाँ, मेरी चिंता मत करो,
अच्छा मैं पैसे दे देती हूँ। अरे छोड़, तू जा, मैं पैसे दे दूँगी। चल चल चल। ओके, बाय नानू। बाय नानू। चल चल चल। अरे रुकना एक, लेकिन मैं क्यों चलूँ तेरे साथ? उस दिन तो बड़ा भाव खा रही थी कि मैं अकेले सब कुछ कर लूंगी और पता नहीं क्या क्या। हाँ, और हाँ वो है ना तेरा गबरू अंशुमन, उसको लेके जा, मुझे क्यों लेके जा रही है यार? तू अंशुमन से इतना क्यों चिढ़ता है? जलन होती है क्या तुझे उससे? पागल हो गया, मजाक कर रहा था। लेकिन मैं तो सीरियस भी रोच हूँ, अंशुमन के साथ मैं शॉपिंग जा ही नहीं सकती। इतनी महंगी महंगी दुकान लेके जाता है कि पूछ मत, मेरी पूरी शॉपिंग का बजट ना एक ही आइटम पर खत्म हो जाएगा। बजट को तो देखकर ही चलना पड़ेगा ना रोचू, इसलिए मैं उसे घर बेचकर यहाँ चली आई। अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ मिल गया। चल शॉपिंग करते हैं। ठीक है, चल वहाँ चलते हैं। अरे नहीं नहीं एक मिनट, वो देख वहाँ, वहाँ चलते हैं। काफी गहरी दोस्ती लगती काजल भाभी की ऑथर साहब के साथ। लेट्स गो सोनिया। कब? नहीं दी, आप ही जाइए। मुझे उसकी शक्ल देख के बहुत इरिटेशन होती है। लेकिन सोनिया मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ चलो, ताकि जब मैं काजल और उसकी फैमिली की इंसल्ट करूं तो तुम अच्छे से एंजॉय कर सको। नहीं दी प्लीज, मैंने अभी अभी अपने फेस का ट्रीटमेंट कराया है और मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे डस्ट से दूर रहने के लिए कहा है। यहाँ बहुत धूल मिट्टी है, बहुत गंदा है। आप ही जाइए, मैं यहीं रहती हूँ। ओके फाइन, आई जस्ट कम। ये सब यहाँ क्यों ले आए बेटा? अरे नानी, लाना ही पड़ेगा ना, अब काजल का बराबर का जो हक है। ये लीजिए तानिया जी, आपकी पसंदीदा कैपेचिनो। इस बार मैंने शक्कर भी कम डाली है। सुनहरी, कॉफी के साथ कुछ लेकर नहीं आई? बुरा मत मानेगा जीजी, पर घर में खाने के नाम पे तो बस मिठाई ही है, और वो इन बड़े लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। अब कॉफी में भी तो शक्कर कम लेते हैं ना, तो फिर मिठाई कैसे खाएंगे, है ना तानिया जी? राइट मामी। तानिया बेटे बाहर से कुछ मंगवा ले? नहीं आंटी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आप आराम से बैठिए। ये देखिए ना, हम गिफ्ट्स देखते हैं, ये एंगेजमेंट में मिले हुए गिफ्ट्स है, तो मैंने और बुआ ने सोचा कि क्यों ना आपके आए सब साथ में देख ले। अब कौन सा नया नाटक करने वाले हैं ये लोग? हे भगवान, सब संभाल लेना बस। कैसा है आंटी, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ये वर्मा अंकल ने भेजा है कनाडा से। वाओ, देखिए ना आंटी कैसी है ये इयररिंग्स, अच्छी है ना? ये भेजा है शुक्ला जी ने यूएस से। अशोक सिन्हा? सिन्हा अंकल तो ऐसे गिफ्ट नहीं भेज सकते। आंटी आपके रिलेटिव्स में कोई है क्या अशोक सिन्हा? क्योंकि हमारे सिन्हा अंकल तो ऐसा सस्ता और घटिया गिफ्ट नहीं भेज सकते हैं। एक गिफ्ट की कीमत कभी भी पैसों से नहीं तोली जाती है तानिया दी। गिफ्ट्स तो अनमोल होते हैं ना, और ये तो एक फोटो फ्रेम है मेमोरीज को सजा कर रखने के लिए, और मेमोरीज प्राइसलेस होती है। तानिया दी आप तो जानती है ना कि मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, मेरी फैमिली भी मिडिल क्लास है, तो फिर ये सब बातें क्यों हो रही है? हमें तो कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात से, इनफैक्ट हमें तो गुरूर है इस बात का कि हम मिडिल क्लास हैं। लेकिन अगर आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम है ना, तो फिर आप यहां से जा सकती हैं। काजल, मिडिल क्लास लोग हैं तो गिफ्ट्स भी मिडिल क्लास ही आएंगे ना, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है काजल, अगर तुम चाहती हो तो मैं चली जाती हूँ। अंशु, आई स्वेयर मैंने काजल को कुछ भी गलत नहीं बोला है, मैं सही बात को बढ़ा रही हूँ। अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है कि
मैंने तुम्हारे फियांसे और उसकी फैमिली के साथ कुछ गलत बिहेव किया है तो Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।